हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू गुड. फ्रेंड, आज हम डेली यूजेस सेंटेंस पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं एंड आई होप कि अभी तक जो हमने 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किए हैं वो सभी सेंटेंस आपने प्रैक्टिस किए हैं और उन सेंटेंसेस को आपने अपनी लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट कर दिया होगा. फ्रेंड्स, यू हैव टू डू वन थिंग, आपको ये काम करना है, जैसे जैसे हम सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, जैसे जैसे सेंटेंसेस हम सीखते जाते हैं, आप साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे और मेरे साथ में सेंटेंसेस को बोलोगे, राइट? एंड एक बार अगर जब वीडियो कवर हो जाता है तब आप दोबारा इसको प्ले कर सकते हो, साथ के साथ बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो. दिस इज द बेस्ट वे एंड आई बिलीव कि अगर आप इस वे में प्रैक्टिस करते हो तो ये सेंटेंसेस आज हम देख के बोल रहे हैं, बाद में जब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये आपकी जुबान पर आ जाएगा और आप इसको बहुत ही अच्छे से अपने कम्युनिकेशन में यूज़ कर पाओगे. सो लेट अस स्टार्ट डेली यूजेस सेंटेंस पार्ट 4, रोज बोले जाने वाले सेंटेंस पार्ट 4. सो लेट अस स्टार्ट डेली यूजेस सेंटेंस पार्ट 4. मैं तुम्हारे मैटर में नहीं घुसना चाहता. मैं तुम्हारे मैटर में नहीं घुसना चाहता. घुसने के लिए डेल्व वर्ड हम यूज करते हैं. डेल्व इज अ वर्ब. सेंटेंस बनेगा आई डोंट वॉन्ट. चाहना के लिए हम यूज करते हैं वॉन्ट. आई डोंट वॉन्ट टू डेल्व इन टू योर मैटर. आई डोंट वॉन्ट टू डेल्व इन टू योर मैटर. आप साथ के साथ बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा. उसे जॉब से निकाल दिया गया है. सेंटेंस है उसे जॉब से निकाल दिया गया है. सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन रहेगा पैसिव. ही के साथ में हम हैज का यूज करेंगे. ही हैज बीन और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि पैसिव में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. और जॉब से निकालने के लिए फायर्ड भी आ जाता है और एक्सपेल्ड भी आ जाएगा. सेंटेंस बन जाएगा ही हैज बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब और वी कैन से ही हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द जॉब. सभी बच्चों को सुला दो. सेंटेंस है सभी बच्चों को सुला दो. पुट ऑल द चिल्ड्रन टू स्लीप. Put all the children to sleep. Or we can say, make all the children sleep. Make all the children sleep. Juice ko halke halke piyo. Sip the juice slowly. Sip the juice slowly. Mere coat ko pehen kar dekho. Try my coat on. Or we can say, try to put on my coat. Try to put on my coat. Put on hota hai dalna. Or put off. Put off. Put off hota hai utarna. राइट जब आप कोट को उतारते हैं तो पुट ऑफ यूज करेंगे और कोट को डालते हैं तो पुट ऑन का यूज करेंगे. ट्राई माय कोट ऑन. ट्राई माय कोट ऑन और ट्राई टू पुट ऑन माय कोट. बोलिए साथ में ट्राई माय कोट ऑन और ट्राई टू पुट ऑन माय कोट. उसे विदा कर दो. उसे विदा कर दो. विदा करने के लिए सी ऑफ. सी ऑफ. सी हिम ऑफ. सेंटेंस बनेगा उसे विदा कर दो. सी हिम किसे करना है? उसे करना है. सी हिम ऑफ. ऐसे ही अगर लड़की के लिए यूज किया गया तो सी हर ऑफ. सी हर ऑफ या सी हिम ऑफ. नेक्स्ट सेंटेंस है मेहमानों की देखभाल करो. लुक आफ्टर द गेस्ट. मेहमानों की देखभाल करो. लुक आफ्टर द गेस्ट. सचिन का आउट होना भारत के लिए एक जबरदस्त झटका है. सचिन का आउट होना भारत के लिए एक जबरदस्त झटका है. सचिन का डिपार्चर. सचिन का डिपार्चर इज अ टेरिबल ब्लो फॉर इंडिया. सचिन डिपार्चर इज अ टेरिबल ब्लो फॉर इंडिया. तुम्हारा काम तारीफ के काबिल है. तुम्हारा काम तारीफ के काबिल है. योर वर्क इज प्रेज वर्दी. योर वर्क इज प्रेज वर्दी. वर्दी अगर हम कहते हैं ये कि नॉलेज के लायक है. नॉलेज वर्थी. इसके लिए हम यूज करते हैं नॉलेज वर्थी. आपका काम नॉलेज के लायक है. नॉलेज वर्थी. ये बुक नॉलेज के लायक है तो बोलेगा दिस बुक इज नॉलेज वर्थी. और आपका काम तारीफ के लायक है. योर वर्क इज प्रेज वर्थी. अपने पैसे का घमंड मत करो. डोंट बी एरोगेंट ऑफ योर मनी. डोंट बी एरोगेंट ऑफ योर मनी. मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ. I give my consent. I give my consent. मैं तुम पर अपनी मर्जी नहीं थोप रहा हूँ. थोपने के लिए इम्पोज का यूज करते हैं हम लोग. I am not. प्रोसेस की बात है. आई एन जी आ जाएगा. आई एम नॉट इम्पोजिंग क्या माई विल मेरी मर्जी ऑन यू. आई एम नॉट इम्पोजिंग माई विल ऑन यू. मैं अपनी मर्जी तुम पर नहीं थोप रहा हूँ. आई एम नॉट इम्पोजिंग माई विल ऑन यू. तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी. तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी. मजबूरी के लिए तो हैड टू आ जाएगा. अभी की मजबूरी है देन वी यूज हैव टू. और पास्ट की मजबूरी है देन वी यूज हैड टू. पास्ट की मजबूरी के लिए हम यूज करेंगे हैड टू. तुम्हें मेरी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी. यू हैड टू सफर बिकॉज ऑफ मी. मैंने तो ऐसे ही कह दिया था.
मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, या फिर हम बोलते हैं मैंने तो ऐवे ही बोल दिया था। आई सेड, मैंने कहा था क्या? जस्ट लाइक दैट, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। आई सेड जस्ट लाइक दैट। तुम्हें वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? तुम्हें वहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? हाउ लॉन्ग के साथ सेंटेंस स्टार्ट होगा। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच देयर? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच देयर? मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद यू। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद यू। मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे आप पे गर्व है तो आई एम प्राउड ऑफ यू। सोनिया एक अच्छी लड़की है। सोनिया एक अच्छी लड़की है, तो सोनिया इज अ गुड गर्ल। पास्ट की बात है तो सोनिया वॉज अ गुड गर्ल। मुझे मुंबई जाना है। जाने के लिए हम टू का यूज़ करेंगे। कहीं पे भी डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले आप टू का यूज़ करते हो। जैसे आपने कहा मुझे दिल्ली जाना है तो आई हैव जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो टू दिल्ली। या फिर मुझे मुंबई जाना है, आई हैव टू गो टू मुंबई। शांत रहिए, नेक्स्ट सेंटेंस है शांत रहिए। बी क्वाइट, बी काम, बी क्वाइट। और वी कैन से बी क्वाइट, इसके साथ में आप बोल सकते हो बी काम, CALM, बी काम, राइट? शांत रहिए, बी काम, काम। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? व्हाट इज योर फादर? व्हाट इज योर फादर? और वी कैन से व्हाट डज योर फादर डू? व्हाट डज योर फादर डू? जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करें तो डज आ जाएगा। व्हाट डज योर फादर डू? रवि आजकल क्या कर रहा है? व्हाट इज रवि डूइंग? व्हाट इज रवि डूइंग दीज डेज? दीज डेज इट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेरी टास्क। यहाँ पे हम टेम्परेरी टास्क की बात कर रहे हैं। जब भी टेम्परेरी टास्क की बात होगी वहां पे वो प्लस ING का यूज करेंगे। सो रवि आजकल क्या कर रहे हैं? व्हाट इज रवि डूइंग दीज डेज? समझदार को इशारा ही काफी, समझदार को इशारा ही काफी। अ वर्ड इज वाइज टू इनफ। ए वर्ड टू वाइज इज इनफ। ए वर्ड टू वाइज इज इनफ। वाइज समझदार के लिए आ जाएगा, राइट? ए वर्ड इज वाइज टू इनफ। मैं एक इंजीनियर हूं। आई एम एन इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर। वह एक लड़का है। वह एक लड़का है, दैट इज अ बॉय, या ही इज अ बॉय। ऐसे भी कह सकते हैं, ही इज अ बॉय। वो एक लड़का है, ही इज अ बॉय। क्या तुमने कोशिश की? डिड यू ट्राई? बात करें हम लोग पास्ट की। क्या तुमने कोशिश की? डिड यू ट्राई? क्या आप कोशिश करते हो तो डू यू ट्राई? क्या आप कोशिश करोगे? विल यू ट्राई? और ऐसे ही क्या आप कोशिश कर सकते हो? कैन यू ट्राई? लेकिन अगर हम पास्ट की बात करते हैं, क्या आप कोशिश कर सकते थे, तो कैन का बन जाएगा कुड। क्या आप कोशिश कर सकते थे? कुड यू ट्राई? तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है? व्हाट हैव यू प्लान फॉर योर करियर? व्हाट हैव यू प्लान फॉर योर करियर, राइट? नेक्स्ट है, इसमें खास बात क्या है? व्हाट इज सो स्पेशल इन इट? व्हाट इज सो स्पेशल इन इट? व्हाट इज सो रिमार्केबल इन इट? जैसे आप जाते हो कोई भी शर्ट खरीदने के लिए एंड उस शर्ट का काफी ज्यादा प्राइस है, देन आप पूछते हो व्हाट इज सो स्पेशल इन इट, या व्हाट इज सो रिमार्केबल इन इट? आपकी कृपा होगी। इट्स काइंड ऑफ यू, इट्स काइंड ऑफ यू। यह टेबल पुरानी है। दिस इज ओल्ड टेबल। डांस किसने किया? डांस किसने किया तो किसने के लिए हु आ जाएगा, और पास्ट की बात है सेकंड फॉर्म आ जाएगी। डांस किसने किया? हु डांस्ड। और कौन बोला? पास्ट की बात है सेकंड फॉर्म आएगी। कौन बोला? स्पीक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। स्पोक, हु स्पोक। कौन बोला? हु स्पोक। कौन गया? अगर मैं कहना चाहता हूं कि कौन गया, हु वेंट। और कौन जा रहा है? हु इज गोइंग। कौन जा रहा है तो हु इज गोइंग सेंटेंस बनेगा। कौन जा रहा है? हु इज गोइंग। देहरादून कौन जाएगा? हु विल गो टू देहरादून? हु विल गो टू देहरादून? डेस्टिनेशन के लिए वी ऑलवेज यूज टू। देहरादून कौन जाएगा? हु विल गो टू देहरादून? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इट्स 9 days wonder। इट्स एन idiom। इट्स 9 days wonder। 9 days wonder मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आप तो बिल्कुल भोले हो। यू आर सो इनोसेंट। यू आर सो इनोसेंट। ऐसे हम बोलते हैं आप बहुत ज्यादा डोसाइल हो। डोसाइल, DOCILE। आप बहुत ज्यादा डोसाइल हो। यू आर वेरी डोसाइल पर्सन, एंड यू आर डोसाइल पर्सन, वी कैन से। ओके। और आप गाय की तरह सीधे साधे हो या भोले भाले हो। यू आर एज डोसाइल। हम यूज करते हैं यू आर एज डोसाइल किसके जैसे? एज काउ। यू आर एज डोसाइल एज काउ। आप गाय की तरह शरीफ हो, ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग। आप को किससे मिलना है? हु डू यू वॉन्ट टू मीट? हु डू यू वॉन्ट टू मीट? मुझसे कौन मिलना चाहता है? हु वॉन्ट्स टू मीट मी?
उसे कौन मिलना चाहता है? हु वॉन्ट्स टू मीट मी. वह बड़ा पत्थर दिल है. ही इज हार्ड हार्टेड पर्सन. ही इज हार्ड हार्टेड पर्सन. मामला बिगड़ गया है. दिस मैटर हैज बिकम सीरियस. द मैटर हैज बिकम सीरियस. वह मेरा भाई है. ही इज माई ब्रदर. ये मेरी किताबें हैं. दीज आर किताबें हैं. इट मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लूरल की. एक से ज्यादा है तो बुक की जगह बुक्स आ जाएगा. और बुक्स के लिए हम दीज का यूज करेंगे. दीज आर माई बुक्स. और एक है तो दिस इज माई बुक. तुम दफ्तर कैसे जाते हो? हाउ डू यू गो टू ऑफिस? आपकी तबीयत कैसी है? हाउ आर यू नाउ? यह काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है. डूइंग दिस वर्क इज नॉट अ चाइल्ड प्ले. डूइंग दिस वर्क इज नॉट अ चाइल्ड प्ले. चाइल्ड प्ले बच्चों का खेल. क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका? इज दिस द वे यू टॉक? इज दिस द वे? इज दिस द वे यू टॉक? क्या इस वे में तुम बात करते हो? यह मेरी घड़ी है. दिस इज माई वॉच. तुम एक लड़की हो. यू आर अ गर्ल. तुम एक लड़की हो. यू आर अ गर्ल. दिल्ली में मौसम कैसा है? हाउ इज द वेदर इन दिल्ली? हाउ इज द वेदर इन दिल्ली? हिसार में मौसम कैसा है? हाउ इज द वेदर इन हिसार? तुम्हारे पिताजी की आयु कितनी है? हाउ ओल्ड इज योर फादर? आपके पिताजी की आयु कितनी है तो हाउ ओल्ड इज योर फादर? मैंने ये बात नहीं की. आई डिड नॉट मेक दिस रिमार्क. मैंने ये बात नहीं की. आई डिड नॉट मेक दिस रिमार्क. कोई भी ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकता. नोबडी कैन बियर सच एन इंसल्ट. नोबडी कैन बियर सहन करना. बियर सच एन इंसल्ट. सच एन इंसल्ट. नोबडी कैन बियर सच एन इंसल्ट. वह सुंदर लड़की थी. शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल. वह सोया हुआ था. ही वॉज एस्लिप. करीब 500 किलोमीटर. अबाउट 500 किलोमीटर. फ्रेंड्स इट वॉज ऑल अबाउट द सेशन टूडे. एंड आई होप कि हमने काफ़ी कुछ सीखा है. एंड नाउ यू आर टू डू वन थिंग. जितने भी हमने अभी तक सेंटेंस सीखे हैं आप वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे साथ में बोलिए इसको. जो भी हमने सीखा है बार बार वीडियो को प्ले कीजिए. थैंक यू वेरी मच.